हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन लोगों ने कीवर रिसर्च किंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कमाल का कीवर्ड बताऊंगा जो कि इस यूट्यूब पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताता कि जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा कुछ अलग तरीका है और मैं कुछ अलग तरीके से फाइंड करता हूँ चीज़ों को, ठीक है? तो वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और तरीका आप लोगों को जितने भी कीवर्ड मैं बताता हूँ उस पर आप काम कर सकते हैं। अभी क्या है डल्सिमर, यह क्या होता है? अब इस कीवर्ड को आप देखेंगे, जी डिफ़िकल्टी है, दिस वेरी इजी डिफ़िकल्टी, 90 के का सर्च वॉल्यूम है, 94% का ऑर्गेनिक ट्रैफिक, 0.50 का CPC है, ठीक है? और ग्लोबल सर्च वॉल्यूम 1,40,000 का है। इस तरह का कीवर्ड ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? और अगर आपको सिर्फ SEO आता है तो इन सारे कीवर्ड को काफ़ी अच्छा रैंकिंग कर सकते हैं आप। और ग्राफ में देखें कंटिन्यू पूरे साल 2017, 2018, 2019, 2020 कंटिन्यू ये ग्राफ ऊपर ही रहा है, ठीक है? मेरे बहुत से ऐसे मेथड हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, ओपनली मैं बिल्कुल नहीं बता सकता क्योंकि वो सारे मेथड सीखे हुए हैं, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ों को आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा और मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें बताता रहूँगा कि आप जिस कीवर्ड पे काम करेंगे कि उस पे आपको सक्सेस मिलेगा। मेरे सब्सक्राइबर लगभग 1,403 सब्सक्राइबर हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे और लगभग व्यूज जो आता है 200, 250, 300 के बीच रहता है। मैं अगर 200 पकड़ के चलता हूँ, 200 लोगों में से अगर 50 लोगों ने ही काम किया इस जिस जो कीवर्ड मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जितने भी वीडियो में, सिर्फ मैं 50 लोगों की बात कर रहा हूँ, अगर 50 लोगों ने काम किया तो 50 लोगों में तो इतना कंफर्म है कि 30 लोग तो सक्सेस हो जाएंगे। 20 लोग नहीं सक्सेस हो सकते हैं क्योंकि उनके पास टेक्निक नहीं होगी SEO का, आर्टिकल लिखने का, पर मेरा दावा है कि 30 लोग जरूर सक्सेस होंगे, ठीक है? और 30 लोग कौन हो सकते हैं अब ये मुझे नहीं पता, पर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे बताए हुए कीवर्ड पे आपको सक्सेस मिल रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि दूसरों को भी पता चले कि हाँ, जो मैं कीवर्ड बता रहा हूँ आप लोग उस पर काम कर रहे हैं और आपको सक्सेस भी मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पर मैंने कमेंट्री टाइप में पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो आपको समझनी ज़रूरी है, ठीक है? ये कीवर्ड बताना आसान चीज़ है पर आपको समझना, देखो माइंडसेट सबसे पहले ज़रूरी होता है, ठीक है? यहाँ पर हेलो भाई, आपके बताए हुए कीवर्ड पर हम काम वर्क कर रहा हूँ और मतलब रैंक हो गया है, इन्होंने बताया है अच्छे से, ठीक है? और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने कमेंट किया और बताया कि हाँ, मैंने रैंक कराया आपके बताए हुए कीवर्ड पे और कुछ इनको हेल्प चाहिए था कि वेबसाइट पर गूगल एडसन कैसे लेना है, मेरे पास पहले से एक एडसन अप्रूवल है, प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है? तो इनका जवाब तो संडे के दिन सभी लोगों का मिलेगा, ठीक है? तो ये बताए हुए कीवर्ड पे काम किया और इन्होंने रैंक कराया, ठीक है? तो जितने लोग ने मेरे बताए हुए कीवर्ड पे रैंक कराएं प्लीज़ कमेंट करें ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले, आपके एक कमेंट से उनको भी मोटिवेशन मिले। कहते हैं ना, देख देख के अगर काम करते हैं तो लोग करने लगते हैं, ठीक है? आप अगर कमेंट करेंगे तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको कुछ ना कुछ हेल्प होता रहेगा, ठीक है? और एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, मेरे इस चैनल पे और कुछ लोग हैं ऐसे, 1, 2, 3, 4 लोग हो सकते हैं, ठीक है? मतलब 1 से 5 के बीच में ऐसे लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर अपना बाइकलिंग सेल कर रहे हैं, अपना कुछ और प्रोडक्ट मतलब अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं। तो उन लोगों से प्लीज़ आप बचिए, ये सब स्कैमर लोग हैं, इन लोगों से बचिए, ठीक है? जो यहाँ पर आ रहे हैं कि चीप बाइकलिंग दे दूँगा, चीप आपको कीवर्ड दे दूँगा, चीप ये चीज़ें दे दूँगा, चीप होस्टिंग दे दूँगा, चीप मेरे कमेंट आते हैं मैं डिलीट कर देता हूँ, पर अगर आप उन कमेंट को देखते हैं तो प्लीज़ उनका रिप्लाई ना करें, ठीक है? उनको रिप्लाई उप्लाई कुछ करने की जरूरत है, मैं डिलीट कर दूँगा, आप उनके चक्कर में बिल्कुल ना फंसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए, आपके पैसे बहुत कीमती हैं, मैं जानता हूँ कि पैसे की कीमत क्या होती है। जब मैं 2018 2017 में जब मैं इस पैसे की कीमत समझता था तो वही सेम अभी आपकी जो सिचुएशन है उसी में है, 2017-2018 में जैसी मेरी सिचुएशन थी, तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है? आपके पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बचा के रखिए, आपको डोमेन होस्टिंग में काम आएगा, आप जिसे सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है? आपको कीवर्ड लेने में काम आएगा, तो आप इन सब चीज़ों के पीछे बिल्कुल ना पड़ें जो कमेंट करते हैं कि आपको मैं ये चीज़ें दे दूँगा और आपको मैं ये चीज़ें दे दूँगा, ठीक है? मेरे चैनल पर कमेंट आते हैं मैं डिलीट कर देता हूँ, पर मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप लोग इन लोगों से दूर रहें, ये लोग स्कैमर लोग हैं, ठीक है? कुछ नहीं करेंगे, कोई पैसा ले लेंगे उसके बाद फ़ोन नहीं उठाएंगे, ठीक है?
ये ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, ठीक है। मैं भी कमेंट करके एचआरएफ खरीदा था, एचआरएफ खरीदा, एचआरएफ का टूल कमेंट किया एक बंदे ने कि 300 रुपये का टूल मैं दे रहा हूँ। तो मैं किसी और किसी के वीडियो पे किसी यूट्यूब चैनल को देख रहा था, तो वहाँ पर मैंने उसे कॉन्टेक्ट किया, वो बंदा 300 ले लिया मेरे पास, मुझे दोबारा पलट का कोई भी अकाउंट अकाउंट नहीं दिया, ठीक है। तो इन लोगों से आप दूर रहिए, ठीक है। जो मेरे साथ हुआ है मैं सोचता हूँ कि आपके साथ ना हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी मेरे चैनल पर कमेंट करके सेल कर रहे हैं जो भी, वो लोग प्लीज़ ऐसा काम ना करें। दूसरों के पैसे बहुत कीमती होते हैं, तो आप उनकी इंपॉर्टेंस समझें, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। डोल्सिमर क्या होता है, ये एक म्यूजिशियन कीवर्ड है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आप काम कर सकते हैं। जिनकी म्यूजिक म्यूजिक यानी सॉन्ग से रिलेटेड वेबसाइटें हैं, इस पर आर्टिकल लिख के आपका अच्छा खासा काम। ये होता है जो गिटार होता है वही होता है सेम, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है। आप इस पर बता सकते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। अभी मैं इसको सर्च कर रहा हूँ गूगल पर और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। डोल्सिमर इज़ ए टाइप ऑफ म्यूजिशियन म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये होता है, इसके बारे में आप अच्छे से डिटेल बता सकते हैं। आपको इसका भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है, आप आर्टिकल भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पर है डोल्सिमर, गया ना, डोल्सिमर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, यहाँ पर भी है। और मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज़ ए डुलसिमर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया कि यहाँ पर wonderpulse.org.com ने इन्होंने अच्छे से बताया, मेक श्योर द डुलसिमर आ तो वेल, ठीक है। तो अच्छे से इन्होंने बता रहे हैं, यानी डिस्क्राइब किया है इसके बारे में, ये क्या चीज़ है, कैसे बना है, ठीक है। इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, अच्छे से आर्टिकल लिखना है, समझ गए आप लोग, ठीक है। और इसके बारे में अगर कोई कोड वोड होता है तो बता दीजिएगा, सॉन्ग को कैसे बजाया जाता है इसका कोड आप निकाल के बता सकते हैं, ठीक है। जो कोड होता है इंस्ट्रूमेंट का कैसे बताया था कहाँ, ठीक है। सारे गामा पावा वाला स्टाइल वही वही सेम थिंग होता है इसमें भी डोल्सिमर में, मुझे ज़्यादा नहीं पता है पर मैंने इसे रिसर्च किया आपको बताने के लिए। तो वहाँ पर कोडिंग होता है जो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से आप बता सकते हैं, इस कीवर्ड पे आप रैंक करा सकते हैं और ये रैंक होगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये रैंक होगा क्योंकि इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, तो जाहिर सी बात है लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले जा रहे हैं। और ये हर साल 2017 से 2020 तक के ये अभी तक भी ये कीवर्ड ये रैंक हो ही रहा है, ठीक है। मतलब ग्राफ इसका ऊपर है तो यानी अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा है कंटिन्यू हर साल। अब मैं आपको दूसरा कीवर्ड दिखाऊँ, इसके बाद जो मैं कीवर्ड दिखाऊंगा वो बहुत धमाकेदार 3 मिलियन का ट्रैफिक वाला कीवर्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तभी इसको समझ लेते हैं, स्लिप म्यूजिक, ठीक है। ये यूट्यूब पे बहुत धमाका किया है, ये स्लिप म्यूजिक क्या होता है, ये बाहर की कंट्री के लोग ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 32K का सर्च वॉल्यूम है यूएसए से है, ठीक है, यूएसए से 32K का सर्च वॉल्यूम है। तो ये क्या है कि बाहर कंट्री के लोग ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब पे अगर स्लिप म्यूजिक आप लिख देंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये यूट्यूब पे 10 मिलियन, 15 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन ऐसे ऐसे जाता है। देखो ये तो अभी चल ही रहा था लाइव स्ट्रीमिंग, यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, यहाँ देखो 7 मिलियन, ठीक है, 3 मिलियन, 77 मिलियन, ठीक है, 70 मिलियन, 144 मिलियन, स्लिप म्यूजिक, ठीक है। आपको क्या करना है इन सारी चीज़ों को मैं आपको आइडिया बताता हूँ। स्लिप म्यूजिक क्या करना है, स्लिप म्यूजिक आपको जाना है यूट्यूब अपने चैनल पर, ठीक है, अपने चैनल पर जाना है विदाउट कॉपी राइट, विदाउट कॉपी राइट वाले जो म्यूज़िक वाला आइडियो है उस फाइल को अपने वेबसाइट में अपलोड करना है, ठीक है, और उसके बारे में बताना है थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह के आप 50, 60, 100 जितना हो सकता है पॉसिबल उस स्लिप म्यूज़िक को आप उसके बारे में डाउनलोड कीजिए फाइल को विदाउट कॉपीराइट वाला, ठीक है। विदाउट कॉपीराइट वाला अगर आप डाउनलोड करेंगे उसको अपनी वेबसाइट में लगे तो वहाँ पर कोई भी कॉपीराइटेड क्लेम वलूम कोई नहीं देने वाला, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। और अगर किसी भी कंपनी का अगर ले रहे हैं तो वहाँ पर उसका क्रेडिट जरूर दें, क्रेडिट अच्छे से डिस्क्राइब करें अपनी वेबसाइट में, ठीक है, यानी एक हिसाब से उसका प्रमोट कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट आप दें तो वो कॉपीराइट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्लिप म्यूजिक का सबसे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि आप विदाउट कॉपीराइट वाली चीज़ें आप मतलब स्लिप म्यूजिक वाला आप यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आइडियो लाइब्रेरी से, और भी आपको जहाँ जहाँ से मिलता है आप डाउनलोड करके उसे अपनी वेबसाइट में बता सकते हैं और इसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है, स्लिप म्यूजिक के बारे में, ये क्यों सुना जाता है स्लिप म्यूजिक, ठीक है। यूट्यूब पर यहाँ पर देखो भाई डीप स्लिप एंड 10 मिनट स्लिप म्यूजिक रिलैक्सो, ठीक है, रिलैक्सिंग म्यूजिक यहाँ पर बताया गया, पियानो म्यूजिक में बताया गया, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं यूट्यूब से, ठीक है। तो ये हमारा कीवर्ड है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको रियल चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं बताता, मैं आपको रियल चीज़ें बताता हूँ जिससे आप सक्सेस हो, है ना। आई मतलब कहता हूँ आई कैन, आई कैन तो यू कैन डू, तुरंत तो आप भी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये रहा AD ब्लॉक,
3.4 मिलियन का ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है और 35K का सर्च वॉल्यूम। ये देखिए कितना अच्छा है, एडी ब्लॉक। एडी ब्लॉक वही है हमारा एड ब्लॉकर। यहाँ पर ये एक कंपनी है, ठीक है, एड ब्लॉक सभी लोगों के पास होगा ये एडी ब्लॉक। मेरे मैंने अभी डिलीट कर दिया, मेरे पास भी था, ठीक है, एड ब्लॉक वाला। अब इसको क्या करना है, आप एडी ब्लॉक के बारे में रिव्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो लोगों ने रिव्यू दिए लिख रखे हैं इसके, द बेस्ट एडी ब्लॉक ब्लॉकर्स इन 2020, 5 डिटेल्स अबाउट एडी ब्लॉक प्लस एवरी ब्राउजर यूज शुड बी नो, द बेस्ट एनी रॉस्ट वैसे एडी ब्लॉकर अपडेट फॉर 2020। ठीक है, यहाँ पर लोगों ने रिव्यू बता रखे हैं, ठीक है, एडी ब्लॉकर प्लस रिव्यू, रेड कस्टमर सर्विस रिव्यू, ठीक है, द बेस्ट ऑफ एडी ब्लॉकर क्रोम यू कैन डाउनलोड। ठीक है, लोगों ने इसके क्या है रिव्यू, यहाँ पर फीचर इसे रिपीट कर यूज किया, क्वेश्चन आंसर पर सीधा सीधा है ना। तो इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, इसके बारे में आप रिव्यू लिख सकते हैं, है ना, एडी ब्लॉक रिव्यू। ठीक है, इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं एडी ब्लॉकर का। 10-20 एडी ब्लॉकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एडी ब्लॉकर क्रोम एक्सटेंशन पे जब आप जाएंगे, अब यहाँ पर आपको एडी ब्लॉकर कई प्रकार के मिल जाएंगे। ठीक है, कई प्रकार के मिल जाएंगे, कम से कम 10-15 जितना भी मिल सके। आपको क्या करना है, उन सारे का लिस्ट बनाना और उनके सारे को क्या करना, आपको रिव्यू देना है। ठीक है, ये बेस्ट है, ये चीज़ है, इसके अंदर ये चीज़ है। ठीक है, उसके बारे में आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर रिव्यू वाली वेबसाइट है, जैसे यहाँ पर लोगों ने वही चीज़ें बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ना द बेस्ट एडी ब्लॉकर्स इन 2020, ये बंदा क्या अच्छे से बताया है। ठीक है, आप मोबाइल के बारे में भी बताइए और कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के बारे में बताइए और मोबाइल के बारे में बताइए, दोनों चीज़ें आप बता सकते हैं, है ना। कीवर्ड आपका सेम रहेगा, बंदा जब भी मोबाइल वाला सर्च करेगा या कंप्यूटर वाला सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट पर जाएगा पढ़ने के लिए, कौन सा बढ़िया है और कौन सा अच्छा नहीं है। ठीक है, और कौन सा ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये कीवर्ड रहा आज का, और ये अब कितना अच्छा कीवर्ड है माय डियर फ्रेंड्स, देख रहे हैं 2017 से 2020 कंटिन्यू आफ्टर 96% ऑर्गेनिक ट्रैफिक, 99% ऑर्गेनिक ट्रैफिक, 94% ऑर्गेनिक ट्रैफिक। आप यूट्यूब पे अगर सर्च कर लेंगे कि कीवर्ड रिसर्च के लिए वीडियो, तो आपको इस तरह के कीवर्ड इतने हाई वॉल्यूम के साथ और इतने अच्छे ऑर्गेनिक ट्रैफिक जीरो डिफिकल्टी के साथ नहीं मिलते हैं, है ना। क्योंकि ये जो मेथड है ये सबके पास के बात नहीं है, जब तक आप सीखेंगे नहीं इस तरह के कीवर्ड रिसर्च करना, इस मेथड के बारे में जानेंगे तब तक आप फाइंड नहीं कर सकते इस तरह की कीवर्ड। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है और बहुत ही अच्छा मेथड, में मुझे पता है, मैंने सीखा है, तो आप भी सीख सकते हैं। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग सीखना है, जैसा कि मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करके आपको बताता हूँ, किसी भी निश से रिलेटेड आप मार्केटिंग कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग। ठीक है, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ यहाँ, तो मैं YouTube पर सिर्फ बताता हूँ आप लोगों को, पर बाकी मेरे क्लाइंट हैं जो Amazon के लिए, Amazon अफिलिएट के लिए लोग काम करते हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं कीवर्ड प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो आप भी एक कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग, ठीक है, एक कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग आप भी बन सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड प्रोवाइड करने वाले, कीवर्ड प्रोवाइड के सर्विस वाला आप भी बन सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कीवर्ड बता सकते हैं कि सर इस कीवर्ड पे इतना वॉल्यूम है, इस पे आप काम कीजिएगा तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी, इतना ट्रैफिक आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको सीखना है और किसी भी निश से रिलेटेड आप निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर कोई ब्लॉगर है उसको नहीं पता, आप किसी भी टॉपिक उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे आप कीजिए काम, इस पे इतना सर्च वॉल्यूम है तो इस पे इतना ट्रैफिक मिलेगा अगर आप काम करेंगे। ठीक है, तो जो न्यू ब्लॉगर होते हैं उनको सक्सेस मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन, उनको सही चीज़ें बता रहे हैं, तभी जाके लोग सक्सेस होते हैं। और जो मेरा मोटो है कि आप 3 महीने के अंदर आप सक्सेस हो सकते हैं किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग बना के, किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग 3 महीने के अंदर, मिनिमम 3 महीने के अंदर और मैक्सिमम 4 महीने 5 महीने के अंदर सक्सेसफुल ब्लॉग बना सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको सीखना है माय डियर फ्रेंड्स, या आपको अगर कीवर्ड चाहिए मुझसे, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, अभिषेक कुमार गौतम 9616@gmail.com। मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग सीखना है या आपको कीवर्ड चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको टॉप लेवल का कीवर्ड प्रोवाइड करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह के कुछ अमेजिंग कीवर्ड बताऊंगा जिस पे आप वर्क कर सकते हैं, और आपको मैं ये भी बताऊंगा किस प्रकार का आपको डोमेन लेना चाहिए। ठीक है, डोमेन के लिए भी मैं बताऊंगा आपको, कुछ नहीं, अगर कुछ भी नहीं आपको जीरो आता है तो आप डोमेन के लिए मैं बताऊंगा, इस पे डोमेन बनाइए, इस पे आर्टिकल लिखिए, इस पे इतने बैकलिंक बनाइए, आपकी वेबसाइट इतने मतलब समथिंग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इतने दिन के अंदर वो ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
तो आज का इस वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स से थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।